नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल HP कम्पिटिटिव फोकस पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिमाचल डोज के बारे में, जहां पे हम जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में सब इंस्पेक्टर कंडक्टर हिमाचल प्रदेश टेट JOIT और क्लर्क के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। साथ में ये इम्पोर्टेंट होंगे हिमाचल प्रदेश पटवारी के एग्जामिनेशन के लिए भी। दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, उपनिषद आर बुक्स ऑन, उपनिषद पुस्तकें हैं किसके बारे में, फिलॉसफी है, लॉ, रिलीजन, योगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, फिलॉसफी। तो उपनिषद जो है वो फिलॉसफी से संबंधित हैं, तत्व ज्ञान या फिर हम बोल सकते हैं दर्शन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड पाटलिपुत्र, किसने पाटलिपुत्र को स्थापित किया। ऑप्शंस हमारे पास हैं उदयन, अशोक, बिंबिसार या फिर महापद्मनंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयन या फिर उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, पहली बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी, कहाँ पे आयोजित हुई थी। ऑप्शंस हमारे पास नालंदा, गया, राजगिरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी यहाँ पे हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगिरी। राजगिरी में पहली बौद्ध परिषद आयोजित करी गई थी। अगला प्रश्न हमारे पास है, द लास्ट मौर्यन एम्परर बाज, अंतिम मौर्य सम्राट था कौन था। ऑप्शंस हमारे पास हैं अवंती वर्मा, नंदी वर्मन, वर्धन, जालोक या फिर बृहद्रथ। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी बृहद्रथ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु वाज द फाउंडर ऑफ पूहर, पूहर का संस्थापक कौन था। अब ये पूहर क्या है, पूहर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये जो था एक कोष्ठ है, क्या है, कोष्ठ है, तटीय क्षेत्र है हमारा, कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और चोलों के समय, जब चोल हमारे भारत में शासक थे, ठीक है, तब चोलों के समय क्या था, यह एक चोलों के समय ये एक था पोर्ट था, यानी कि बंदरगाह था, क्या था, बंदरगाह। तो हमें बताना है कि इसका निर्माण जो है वो किसने करा था। ऑप्शंस देखो हमारे पास है करिकाला, उसके बाद है सेनगुट्टुवन, फिर है मेंडल्यूलियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा करिकाला, राजा करिकाला ने क्या करा था, पूहर की स्थापना करी थी। और ये क्या था, एक बंदरगाह था, किसके समय, चोलों के समय। अगला प्रश्न हमारे पास है, बोलता है मृच्छकटिका वाज रिटन बाई, मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शंस हमारे पास विक्रमादित्य, शूद्रक, कलहन या फिर बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाणभट्ट, बाणभट्ट द्वारा जो है ये मृच्छकटिका लिखा गया था। अगला प्रश्न बोलता है, अमीर खुसरो वाज फेमस कोर्ट पोइट ऑफ, अमीर खुसरो किसके दरबार कवि थे। ऑप्शंस अकबर, महमूद गजनबी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बन रहा है, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बन रहा है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, वेयर इज द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड। ऑप्शंस है हमारे पास भद्रचलम, चिदंबरम, हम्पी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हम्पी, हम्पी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और हमें पता लग रहा है कि जो विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी में स्थित है। अगला प्रश्न हमारे पास है, भक्त तुकाराम वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल एम्परर, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। ऑप्शंस हमारे पास बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर, जहांगीर इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वेयर इज द मौसलम ऑफ शेरशाह, शेरशाह का मकबरा कहाँ है। अब ऑप्शंस सासाराम, दिल्ली,
कलिंजर या फिर सोनार गांव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सासाराम। सासाराम में क्या है, शेर शाह सूरी का मकबरा है, और ये जो सासाराम है ये कहाँ पे है, ये है बिहार में। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, हु वाज कॉल्ड चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स, किसे मराठा राजकरण का चाणक्य कहा जाता है। ऑप्शन देखेंगे, बाजीराव टू, बालाजी विश्वनाथ, नाना फंडवीस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नाना फंडवीस। नाना फंडवीस क्या थे, चाणक्य कहलाए जाते थे, किसके, मराठा राजनीति के या मराठा राजकरण के। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में शेयर भी करें हमारी वीडियो को। अगला प्रश्न है, द सक्सेसर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह बाज, महाराजा रणजीत सिंह के वारिस थे, कौन थे। ऑप्शंस हमारे पास, खड़क सिंह, शेर सिंह, हरिहर सिंह मालवा या फिर नौनिहाल सिंह। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए खड़क सिंह। खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह के वारिस थे, या फिर हम बोल सकते हैं खड़क सिंह वाज द सक्सेसर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, हु वाज एसोसिएटेड विद रायतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास, मद्रास के रायतवाड़ी व्यवस्था के साथ कौन जुड़ा हुआ था। ऑप्शंस देखो, मालकम, मेटकाफे, मुनरो या फिर एलिफेंटस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुनरो। तो जो हेक्टर मुनरो थे वो किससे संबंधित थे, वो थे मद्रास में जो रायतवाड़ी व्यवस्था शुरू करी थी उससे संबंधित थे। आगे है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, निम्न में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। आगे है, ऑप्शंस हमारे पास, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेयर डिड द तेवागा आंदोलन, तेवागा मूवमेंट अकर्स इन 1946, 1946 में तेवागा आंदोलन कहाँ हुआ था। ऑप्शंस, बिहार, पंजाब, गुजरात या फिर बंगाल। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी बंगाल में। तो तेवागा जो आंदोलन हुआ था वो बंगाल में हुआ था, और ये कब हुआ था, 1946 में। अगला प्रश्न है, हु लेड द साल्ट सत्याग्रह विद महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह की अगुवाई किसने करी थी। ऑप्शंस हमारे पास हैं, एनी बेसेंट, मृदुला साराभाई, मुथु लक्ष्मी या फिर सरोजनी नायडू। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारे पास है, बाई विच नेम इज अवर कंट्री मैंसन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारे देश को कौन से नाम दर्शाए गए हैं संविधान में। तो देखो, आपको पता है आर्टिकल नंबर 1 बोलता है इंडिया, या ऐसा बोलता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि वहाँ पे दो नाम बोले गए हैं, इंडिया और भारत। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया एंड भारत। अगला प्रश्न है, द वर्ड हिंदस, वर्ड हिंदस इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में शब्द हिंदू में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शंस हमारे पास, बौद्ध, जैन, सिख या फिर पारसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पारसी। पारसी जो है वो हिंदू शब्द से संबंधित नहीं है, किसके अनुसार, संविधान के अनुच्छेद नंबर 25 के अनुसार। अगला प्रश्न है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, बोलता है जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल, ओनली सेम ऑफ द प्रोविजन आर जस्टिसिएबल या फिर हमारे पास नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि अन्याय उचित।
अगला प्रश्न है हमारे पास, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड विद, भारतीय संविधान में सभी कार्यकार अधिकार निहित होते हैं, किसमें होते हैं? हम सभी को पता है, ऑप्शन देखो पहले, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर मंत्रिमंडल। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान में जो बात करी गई है किसकी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की, ठीक है, या फिर मुख्य संवैधानिक पद पर जो आसीन होता है, या फिर हमारे भारत का सबसे बड़ा नागरिक कौन है, वो भी प्रेसिडेंट है। आगे बात करते हैं, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध कौन महाभियोग शुरू कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद का कोई भी गृह या फिर कोई भी विधानसभा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का कोई भी गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन, भारत सरकार का वित्त बिल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या फिर विधानसभा। तो इसका सही आंसर होगा लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में। तो वित्त बिल कहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। आगे है, व्हेन वाज द वेल्थ टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, सबसे पहले संपत्ति कर भारत में कब शुरू किया गया? ऑप्शंस 1948, 1957, 1976 या फिर 1991। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि 1957। अगला प्रश्न हमारे पास है, हाउ मैनी टाइम्स डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल एमरजेंसी सो फार, अब तक भारत के राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित की है? ऑप्शंस कभी नहीं, केवल एक बार, सिर्फ दो बार या फिर तीन बार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीन बार। तो ये तीन बार कब कब शुरू हुई थी या फिर कब कब आपातकाल घोषित करा गया था? एक तो है हमारे पास जब 1962 में क्या हुआ, भारत और चाइना का युद्ध हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद कब, उसके बाद 1971 में क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1975 की बात करेंगे जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाई, भारत में कृषि आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शंस इनपुट मेथड, आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या फिर कमोडिटी फ्लो मेथड। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आउटपुट मेथड, आउटपुट विधि के द्वारा ही जो है कृषि आय की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, राउरकेला स्टील प्लांट सेट अप विद द असिस्टेंस फ्रॉम, किसकी मदद से राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किया गया था? ऑप्शंस हमारे पास हैं यूएसएसआर, पश्चिम जर्मनी, यूएसए या फिर यूके। तो इसका आंसर होगा जर्मनी, पश्चिम जर्मनी, वेस्ट जर्मनी के मदद से हमने क्या करा, राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किया। अब दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये जो राउरकेला स्टील प्लांट है ये कहाँ पर है। हमने पिछली वीडियोस लेक्चर में भी इसके बारे में बात करी ही है और वहाँ पे हमने बताया है आपको कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे है। अब आपका काम है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसके बारे में। अगला प्रश्न है, न्यू कैपिटल इशू इज प्लेस्ड इन, न्यू कैपिटल इशू कहाँ स्थापित किया जाता है? ऑप्शंस देखो हमारे पास, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ग्रे मार्केट या फिर ब्लैक मार्केट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार में न्यू कैपिटल इशू जो है वो स्थापित होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आए हुए होंगे और आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन
मिली होगी। दोस्तों बने रहें हमारे साथ, हम इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में सहायक सिद्ध होगी। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल और साथ में शेयर भी करें हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।